दोस्तों आप सभी को क्यूरियोसिटी वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं सनी और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। वो पार्ट है हमारा कनेक्शंस। सो हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उसको उसमें हमारा डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे कि बीम्स, कॉलम्स, टेंशन मेंबर्स, और उसको जोड़ने के लिए हम कुछ फास्टनर्स यूज करते हैं जिसको कनेक्ट करते हैं एक मेंबर से दूसरे मेंबर। तो वो मेंबर्स को कनेक्शन जो करता है उसको हम इसके इसके इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कनेक्शंस हो सकता है। सो कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ स्टील फ्रेमवर्क नॉट ओनली फैसिलिट द फ्लो ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर, बट ऑल्सो अलाउ ट्रांसफर ऑफ फोर्सेस अप टू फाउंडेशन। सो ये जो कनेक्शन होता है, जो दो दो मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टील फ्रेमवर्क को जो कनेक्ट करता है, ये सिर्फ हमारा जो फोर्स जो है वो फ्लो करने में, फोर्स और मोमेंट फ्लो करने में हेल्प नहीं करता, बट ऑल्सो ये जो हमारा जो फोर्स, जितने सारे फोर्सेस है वो फाउंडेशन तक फ्लो फाउंडेशन तक ट्रांसफर करने में भी मदद करता है। सो एक स्ट्रक्चर का जो वीकेस्ट पोर्शन है उसका स्ट्रेंथ ही हमारा जो स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है। सो वीकेस्ट लिंक्स जो है उसको स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, सो हमारा जो हम अगर वो जो कनेक्शन है वो अगर वीक रह गया तो हमारा स्ट्रक्चर भी वीक हो सकता है। सो स्ट्रक्चर को वीक बनाना, स्ट्रांग बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो हम क्या करते हैं, हमारा जो जो कनेक्शन है उसको हमारा जो मेंबर से, मेंबर्स का स्ट्रेंथ से भी हमारा कनेक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, इसका कारण है कुछ कारण से। ए कनेक्शन फेलियर में लेड टू द कैटास्ट्रोफिक फेलियर ऑफ द होल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन फेल होता है वो सडन फेलियर होता है, पूरा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है अगर एक कनेक्शन फेल हो गया। लेकिन नॉर्मली कनेक्शन फेलियर इज नॉट ए डक्टाइल एज द स्टील फेलियर, स्टील मेंबर फेलियर एज दैट ऑफ स्टील मेंबर फेलियर। मतलब हमारा जो कनेक्शन फेलियर है वो कनेक्शन फेलियर डक्टाइल नहीं होता है, मतलब धीरे धीरे वो फेल नहीं होता, वो अचानक से फेल हो जाएगा पूरा कनेक्शन। अगर एक कनेक्शन फेल हुआ पूरा होल स्ट्रक्चर गिर जाएगा। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द वीकेस्ट पोर्शन, दैट इज द कनेक्शन। और ये कनेक्शन का हम क्या करते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ रहते हैं उसका स्ट्रेंथ हमें, हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स है उससे वही उतना ही रखता है या तो उससे थोड़ा ज्यादा रखते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा कनेक्शन है वो हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो मेथड ऑफ फास्टनिंग के सचेस, फास्टनिंग के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं सचेस रिवेट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन। सो उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं रिवेट, बोल्ट एंड वेल्डेड कनेक्शन को, जिसको क्लासिफाई करने से हमारा मिलेगा बियरिंग कनेक्शन, बियरिंग टाइप एंड फ्रिक्शन टाइप। इसको हम बाद में देखेंगे अगले वीडियोस में कैसे बियरिंग टाइप कनेक्शंस बनाया जाता है और फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन बनाया जाता है। और कनेक्टिविटी, कनेक्शन रिजिडिटी के ऊपर अगर देखेंगे तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है सिंपल कनेक्शन, रिजिड कनेक्शन और सेमी रिजिड कनेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू आवर आइस कोड जो कनेक्शन है वो कैसे इसको डिफाइन किया गया वो देख लेते हैं। हमारा जो रिजिड कनेक्शन है, रिजिड कनेक्शन डेवलप्स द फुल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ कनेक्टिंग मेंबर्स एंड रिटेन द ओरिजिनल एंगल बिटवीन द मेंबर्स अंडर एनी joint rotation, that is rotational moment of the joint will be very small or this connection. So hamara jo hai rigid connection wo kya hota hai, hamara jo moment capacity hai wo moment capacity of the wo retain karta hai, aur moment capacity matlab ye moment jo hamara jo member mein jitna hamara moment of resistance hoga wo connection mein bhi moment of resistance itna hi rahega, matlab iska moment resisting capacity utna hi rahega jitna hamara member ka rahega। और इसका जो एंगल क्रिएट करेगा, रिटेन एंगल विल बी वेरी स्मॉल, मतलब ये जहाँ पे जॉइंट होगा वहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे कुछ इमेजेस दिया हुआ है, कुछ फिगर्स दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या है। सो यहाँ पे अगर हम फोर्स देते हैं तो ये मोमेंट रेजिस्ट करेगा, रोटेट नहीं होगा। सो ये रिजिड कनेक्शन है, ऐसे ही बाकी हमारा जहाँ से भी इस डायरेक्शन में भी रोटेट नहीं होने वाला, इस डायरेक्शन में भी रोटेट नहीं होने वाला जितना भी हम फोर्स दे दें। सो ये मोमेंट रेजिस्ट करता है इक्वल टू दैट ऑफ आवर मेंबर, मेंबर जितना रेजिस्ट कर सकते हैं वो कनेक्शन भी इतना ही रेजिस्ट करता है। देन हमारा जो सिंपल कनेक्शन है, इन सिंपल कनेक्शन नो मोमेंट ट्रांसफर इज अज्यूम्ड बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट एंड हेंस आर अज्यूम्ड टू एज हिंज्ड। सो हमारा क्या होता है, मोमेंट ट्रांसफर नहीं करता है, मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता है। सो ये एक हिंज बन जाता है, मतलब रोटेशन, जो रोटेशनल मोमेंट ऑफ द जॉइंट इज लार्ज इन दिस केस, मतलब ये रोटेशन अलाउ करता है, मतलब जॉइंट कनेक्शन में हमारा रोटेशन होता है। लेकिन एक्चुअली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट विल बी डेवलप्ड बट इट इज नॉर्मली इग्नोर्ड इन द डिजाइन, थोड़ा मोमेंट वो रेजिस्ट होता है हमारा जो स्मॉल अमाउंट, लेकिन इसको इग्नोर किया जाता है। एंड सो यहाँ पे कुछ इमेजेस दिया हुआ है जहाँ पे हमारा यहाँ पे हिंज है। सो इसको अगर फोर्स देते हैं तो ये मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता, ये रोटेट होता रहता है और एंगल
एंगुलर रोटेशन होता है, इन तीनों में भी ऐसे ही होता है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा सेमी रिजिड है कनेक्शन, वो सेमी रिजिड कनेक्शन क्या होता है। सेमी रिजिड कनेक्शन में भी सफिशिएंट मैं हैव सफिशिएंट रिजिडिटी टू होल्ड द ओरिजिनल एंगल बिटवीन द मेंबर्स एंड डेवलप लेस देन द फुल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द कनेक्टेड मेंबर्स। मीन सेमी रिजिड कनेक्शन में हमारा क्या होता है, वो जो रिजिडिटी है वो ये हमारा जो ये जो सिंपल कनेक्शन है और रिजिड कनेक्शन है उसके बीच में है। मतलब ये हमारा जो मोमेंट, कुछ कुछ मोमेंट ये रेजिस्ट करता है और कुछ कुछ नहीं करता है। सो इसका मतलब यह है कि ये एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रोटेट, पर्टिकुलर एंगल तक ये रोटेट करता है, रोटेशन होता है, मतलब थोड़ा हिंज टाइप हो जाता है, फिर जाके थोड़ा देर बाद ये वो हमारा मोमेंट रेजिस्ट करता है। लेकिन ये हमारा फुल कैपेसिटी ऑफ द करंट मेंबर का जो जितना मोमेंट मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है उतना नहीं होता है, क्योंकि ये एंगल फॉर्म हो जाता है, पूरा रिजिड नहीं है, थोड़ा रिजिड है। सो इसको हम सेमी रिजिड बोलते हैं इसलिए। इन रियलिटी ऑल द कनेक्शन विल बी सेमी रिजिड, हाउएवर फॉर कन्वीनियंस वी अज्यूम सम ऑफ देम आर रिजिड, सम ऑफ देम इज रिजिड एंड सम आर हिंज। रियलिटी में सभी सेमी रिजिड है, लेकिन जहाँ पे हमारा रिजिडिटी सबसे ज्यादा है और हिंज मतलब रोटेशन कैपेसिटी बहुत कम है उसको हम रिजिड बोलते हैं, और जिसमें हमारा जो रोटेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और रिजिड कम है उसको हम वो कहते हैं, सिंपल वो कहते हैं। लेकिन जो रोटेशन कैपेसिटी और मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जिसका इक्वल है ऑलमोस्ट, इसको हम सेमी रिजिड बोलते हैं, आसान भाषा में वही है। सो कुछ हम कनेक्शंस देते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ कनेक्शंस वी मे बी मेड फ्रॉम स्टील स्ट्रक्चर, वो है रिवेट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन। सो इस वीडियो में हम रिवेट कनेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में रिवेट कनेक्शन नहीं है तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, थोड़ा प्रॉपर से बोलूंगा। रिवेट कनेक्शन मतलब क्या है, अगर ये एक मेंबर है और ये एक मेंबर है, दोनों मेंबर को हम ज्वाइन करना है तो इसमें एक होल बनाया जाता है, होल बनाने के बाद एक हमारा रिबेट क्या करता है, इसको हॉट रिबेट, हॉट रेड हॉट रिबेट को इसको इसके अंदर डाला जाता है। डालने के बाद इसको हैमरिंग किया जाता है, हैमरिंग करने के बाद क्या होता है, हमारा हैमरिंग करने के बाद पहले तो हमारा जो रिबेट का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर हमारा जो होल है डायमीटर से कम है, लेकिन हैमरिंग करने के बाद इसका एक्सपेंशन होता है और उसका एक्सपेंशन होने के बाद उसका रिबेट का डायमीटर हमारा होल का डायमीटर से इक्वल हो जाता है और इसको ऐसे फ्लैटन किया जाता है और ये कनेक्शन टाइट हो जाता है। सो ये हमारा होता है रिबेट कनेक्शन। सो रिबेट कनेक्शन का कुछ डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि इट इज एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन ड्यूरिंग हैमरिंग, क्या होता है बहुत नॉइस पोल्यूशन होता है। फिर इट नीड्स हीटिंग द रिबेट टू रेड हॉट, और इसमें क्या होता है हमारा रिबेट को बहुत हीट करना पड़ता है फिर जाके हम हैमरिंग कर सकते हैं ताकि कनेक्शन बना सके। फिर इंस्पेक्शन ऑफ कनेक्शन इज ए स्किल्ड वर्क। सो जो हमारा रिबेट होता है, रिबेट का कनेक्शन का अगर इंस्पेक्शन किया जाए तो इसके लिए स्किल लेबर चाहिए होता है, क्योंकि एक स्किल लेबर बोल सकता है कि इसका कनेक्शन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ, अनस्किल लेबर इसको जज नहीं कर पाएगा। फिर रिमूविंग पुअरली इंस्टॉल रिबेट इज कॉस्टली, अगर ये रिबेट अगर खराब तरीके से इंस्टॉल हो गया तो उसको रिमूव करना बहुत हार्ड हो जाता है, फिर से हिट करना पड़ता है, फिर से इसको हटाना आपके लिए बहुत होता है, हार्ड हो जाता है। फिर हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत हाई है, क्योंकि बहुत सारा लेबर से ही होता है और बहुत हाई लेबरस वर्क है। सो ये कुछ डिसएडवांटेज है इस। सो अगर आपको कुछ पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे आने वाली वीडियोज़ देखते रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।